स्वामीनारायण संप्रदाय का पहला मंदिर यही है। गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल, पर गाड़ियों पे हो तब नहीं। 2023 में भी अहमदाबाद कोल एरिया में गूगल मैप्स हेल्प नहीं करता। आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज मुर्तजा एंड आई विल बी योर टूर गाइड फॉर टुडेज हेरिटेज वॉक। कंफर्टेबल लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और हिंदी, दोनों चलेगा। ओके, सो अहमदाबाद सिटी first world heritage city. Others are particular sites, but cities are only two in India which are heritage city. First Ahmedabad, second Jaipur. Ahmedabad got the title of heritage city in 2017, Jaipur 2019. And today we are going to visit the old quarter of Ahmedabad city through a walk. It's a heritage walk, starts from a temple and at a mosque. That's why it is also called a temple to mosque walk. Mandir se masjid. Swaminarayan temple is built in 1822 by Lord Swaminarayan himself. That's why this particular temple is so much important, because this is the first temple of Swaminarayan sect. Swaminarayan Sampraday ka pehla mandir yahi hai. 201 saal complete hua hai, 201 years of this particular temple. Jaise aap main door se enter hue, abhi main door ke upar hi khade hain. Hey, just you enter the main door and on the left is the temple for the female devotees. On the other side for the male, and in center is the main temple Ramar. The temple is known for its minute colorful carvings. And the colors which are used in this carving, these are the natural colors extracted from raw fruits and vegetables. Open space, नीचे आप जो parking space देख रहे हो, उसी space में जब सजानंद स्वामी जी यहाँ रहते थे, तो he used to celebrate Dhuleti festival in the same place, रंगोत्सव जो बोलते हैं, तो उसी परंपरा को 200 साल से दोहराते हुए आज भी मंदिर का जो होली के टाइप का फूल डोर उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, वो यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटा सा वीडियो है अहमदाबाद सिटी के बारे में, सभी लोग यहाँ पर आ जाइए। गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल, पर गाड़ियों पे हो तब नहीं। नहीं नहीं तब भी नहीं। तो पूरे वॉक के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली एक ही है, प्लीज वॉक ऑन वन साइड, और वेर एवर वी स्टैंड प्लीज स्टैंड ऑन वन साइड, और प्लीज थोड़ा मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे कौन सा साल चल रहा है अभी, 2023 में भी अहमदाबाद कोल एरिया में गूगल मैप्स हेल्प नहीं करता। तो खो जाओगे तो मिलोगे। वेलकम टू द पोएट्स हाउस। कवि दलपत राम जी के घर में आप सभी का स्वागत है। बिहाइंड यू यू विल सी अ येलो लाइनिंग इज दैट। अप टू दैट पर्टिकुलर पार्ट देयर वाज अ हाउस ऑफ द पोएट एंड ही इज अ वेरी फेमस पोएट ऑफ गुजराती लिटरेचर। ही एस्टैब्लिश्ड द गुजरात वर्नैक्युलर सोसाइटी, अ लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर गुजराती लैंग्वेज इन 1848 में, राइट नाउ विच इज नोन बाई द नेम ऑफ गुजरात विद्यासभा। अहमदाबाद में जो रहते हैं उन्होंने आश्रम रोड देखा होगा। आश्रम रोड पे ही HK कॉलेज है, और HK कॉलेज के अंदर है गुजरात विद्यासभा, जिनकी स्थापना कवि दलपत राम जी ने की। तो इस जगह को कहते हैं कवि दलपत राम स्मारक मेमोरियल, और वी से कवि दलपत राम चौक एज वेल। चौक का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चौक? क्रॉस रोड, कोर्टयार्ड, बरामदा, आंगन। तो मेनली व्हेन द हाउस ऑफ द पोएट कोलैप्स ओवर हियर, लोकल गवर्निंग बॉडी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लान टू बिल्ड अ कम्युनिटी गैदरिंग स्पेस ओवर हियर, अ चौक। सो व्हाट हैपन, द पीपल दोज हु लिव अराउंड ओवर हियर कैन गैदर ओवर हियर एंड सेलिब्रेट एनी ओकेजंस ऑफ देयर हाउसेस और एनी फेस्टिवल्स व्हिच आर कमिंग। तो उन्होंने क्या किया, कवि जी का जो घर दिखता था उसका सिर्फ आगे का हिस्सा बनाया। इट्स अ डमी फसाड ऑफ द पोएट्स हाउस, घर नहीं है, दरवाजे खिड़कियों के पीछे आप देखिए दीवार ही है, जैसा मूवी सेट पे होता है ना, सिर्फ आगे का हिस्सा। वेयर आई एम स्टैंडिंग इज द लेआउट ऑफ द पोएट्स हाउस, ऑल द येलो लाइनिंग्स आर द वॉल, टू ओपन स्पेसेस दे हैव केप्ट, द टू पर्टिकुलर डोर्स विल कम इन फ्रंट, ब्लैक पार्ट इज द कोर्टयार्ड, ओपन स्पेस इन द मिडल ऑफ द हाउस, जैसा मैंने पहले बताया, जिसे हम बरामदा आंगन चौक भी कहते हैं। तो चौक आंगन की जरूरत क्यों होती है, इफ यू विल विजिट एनी ओल्ड हाउस यू विल सी अ कोर्टयार्ड इज देयर इन द सेंटर ऑफ द हाउस, सो व्हाई इट इज नीडेड इन ईच एंड एवरी ओल्ड हाउस, वेंटिलेशन, गॉसिप करने के लिए। मेनली इफ यू विजिट एनी प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज आर डन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, योर हाउसेज आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, सो अ सनलाइट कांट एंटर एनी हाउस थ्रू आउट द डे। अहमदाबाद में भाई 9 महीना गर्मी रहती है, right. इतना सारा सनलाइट लेके क्या करोगे, सो मच ऑफ विटामिन डी इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी।
So we have a courtyard in the center from where the sunlight enters, circulating each and every room. This is called the memorial as well. So if you will visit any memorials or any museums anywhere, what we do, we buy a ticket from outside, go inside the memorial or museums. Statues on the majority of the memorial or museums you will see in standing posture. So what we do, we stand beside the statue, click our photograph, and we walk away. But this particular place is a live memorial. Live in the sense, it will come at a very same place in the evening time on daily basis as well. रोजाना भी शाम का हो गया, अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं. लेडीज सिट ओवर देयर डू द हाउस होल्ड वर्क, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट ओवर हियर. 11 बजे आओगे वही की स्टंप बन जाएंगे. अभी जो खाट है वो स्टंप बन जाएगा. सो दिस इज द लाइव मेमोरियल. सो गिव द फील ऑफ द लाइव. दे हैव बिल्ट द स्टैचू इन सिटिंग पोस्चर ओवर हियर, राइट? बिकॉज ऑन द पार्ट विच द स्टैचू इज प्लेस, दिस पार्ट इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल इट ओटलो. A sitting arrangement outside the house. If you will notice any house over here, after the steps and between the doors, you will see a sitting arrangement is made. उसे ओटलो बोलते हैं. ऐसा लग रहा है कभी खुद अपने घर के बाहर बैठे हैं. The poet himself is sitting outside his house. So to give the feel of the life, they have built the statue sitting posture. A very nice place for photography. If you want to take a group photo, you can take over here. Yeah, I think we should. Okay. We should.